बच्चों, मैं डॉक्टर विद्यावति चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक एससीईआरटी छत्तीसगढ़ रायपुर में हूँ और पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा छठवीं विषय संस्कृत पाठ 19 और पाठ का नाम है सुक्तया। बच्चों, आपने इस शब्द को सुना होगा कहीं न कहीं, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुक्ति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सुक्ति मतलब सुंदर उक्ति। इसमें दो शब्द मिले हैं, देखिए, एक है सु धन उक्ति, उक्ति मतलब कहना बोलना, ठीक है, और सु यानी सुंदर, मतलब सुंदर सुंदर जो बातें हैं जो कही जाती हैं वो सुक्ति है। इस पाठ में सबसे पहली जो सुक्ति है वो है अति सर्वत्र वर्जये। एक सामान्य अर्थ है, अति मतलब अधिकता, सर्वत्र सब जगह, वर्जये यानी छोड़ने योग्य, ठीक है, तो अधिकता सब जगह छोड़ने योग्य है। मैंने पीछे शब्दार्थ भी दिए हैं, आप देख सकते हैं, अति मतलब अधिकता, सर्वत्र नहीं सब जगह, वर्जये यानी छोड़ना चाहिए या छोड़ने योग्य। अब क्या कहना चाह रहे हैं, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है बच्चों कि अति सभी जगह छोड़ने योग्य है। कैसे, क्या आप समझ पाते हो? चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, आप खाए वहां तक ठीक है, लेकिन यदि मैं लगातार आपको गुलाब जामुन खिलाऊं, एक ही दिन में ढेर सारा खिला दूं, या रोज आपके सामने गुलाब जामुन रखूं, तो क्या हो जाएगा, आपको गुलाब जामुन से दिलचस्पी आपकी वहां से हट जाएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर एक ही दिन में आप ढेरों गुलाब जामुन खा जाएंगे तो क्या होना है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, अति वर्जीय, मतलब कहीं भी किसी चीज की अधिकता। ये तो खाने की बात थी, आपको मम्मी पापा भी कहते हैं कि थोड़ा सामान्य ढंग से रहो, अति मत करो, ऐसा कहते रहते हैं, तो आप सुनते हमेशा हो लेकिन समझते नहीं होंगे। इसलिए इस सूक्त के माध्यम को आपको समझाया जा रहा है कि किसी भी चीज की अधिकता जो है, अतिरिक्त जो है, वो मना है, वर्जित है, खाने के मामले में, पहनने के मामले में, आने जाने के मामले में, किसी चीज को देखने के मामले में, पढ़ाई के मामले में। आप लगातार पढ़ते हैं तो क्या होगा, एक विषय दूसरे से मिलेगा, दूसरा विषय पहले से मिलेगा, और आपकी जो थीम है, जो एक तरफा जो सोच है, वो चली जाएगी। तो वजह है, कुल मिलाकर के बात ये होती है कि यदि आप किसी भी चीज को मर्यादित होकर के नहीं करते हैं, नहीं रहते हैं, तो बाद में आपको उसका दुष्परिणाम देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अति नहीं करनी चाहिए, यानी अति सभी जगह छोड़ने योग्य है। आगे बात समझिए, आगे चले दूसरे नंबर पे, कहते देखिए कितना सुंदर सा उदाहरण दिया है, अल्प विद्या महागर्व, यानी कम विद्या वाले महान गर्व करने लगते हैं, ठीक है। शब्दार्थ आप देख लीजिएगा, क्या कहते हैं, अल्प विद्या थोड़ा ज्ञान, महागर्व महान गर्व, यानी कम, कि अल्प विद्या महागर्व, यानी जिनके पास कम ज्ञान होता है वो महागर्वीले होते हैं। गर्व मतलब से अहंकार, ठीक है, घमंड से है ना, यहाँ पर गर्व से अच्छा शब्द है, मैं बता दूं, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट क्लास उत्तीर्ण होते हो, पिताजी कहते हैं मुझे मेरे बेटे पर गर्व है, ये अलग बात है, लेकिन अगर गलत काम करके उसमें गर्व कहें तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर गर्व का मतलब घमंड से लिया गया है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, मतलब गर्व सार्थक शब्द में जाएगा और घमंड जो है वो कुल मिलाकर के कहाँ जाएगा, एक तरह से असार्थक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उचित उसका प्रतिफल जो है वहां पर हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो महागर्व यानी गर्व करने वाले होते हैं, मतलब अहंकारी होते हैं, गर्वीले होते हैं। कैसे होते हैं, आपने देखा है कि जैसे वृक्ष को हम प्रकृति पर चलते हैं, आप वृक्ष को देखिएगा, आम का छोटा सा झाड़ है या कोई और भी संतरे या नींबू या जो भी वृक्ष है आप देखते हैं, जिस वृक्ष में फल लदे होते हैं आप देखिएगा कि वो झुक जाती हैं डालियां उनकी, और झाड़ छोटा सा हो जाता है, ऐसा लगता है उनको, क्यों, क्योंकि वो चीज वो ले लो करके हमारी तरफ होती है, तो भरा हुआ जो है यानी फला हुआ है इसलिए वो छोटा हो जा रहा है, हमारी ओर आकर्षित करने के लिए हमें वो देख रहा है। लेकिन जिस वृक्ष में फल नहीं होते हैं आप देखिएगा उसकी डालियां सीधी होती हैं, तली रहती हैं, वो उसका घमंड है, तो उनके पास नहीं है, केवल पत्तियां हैं हरी हरी, ऐसा नहीं है कि नहीं है करके, कोई ना कोई चीज तो है उसमें, तो उसका अहंकार हो है। किसी व्यक्ति विशेष को आप देखिए कि कोई ग्रामीण परिवेश से या शहरी परिवेश, वो कोई परिवेश से हो सकता है, जो जितना कम पढ़ा लिखा होता है वो उतनी अधिक बात करता है कि वो ये जानता है, वो जानता है, वो जानता है, लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वो
बात कम करता है उसके अंदर समझदारी बहुत होती है। आपने वो लोकोक्तियां कहावत सुनी है, थोथा जना बाजे घना, यानी कि चने में अंदर कुछ गड़बड़ी होती है, थोथा हो जाता है, पोला हो जाता है, वही क्या करता है बाजे घना, यानी आवाज करता है, ठीक है। या आपने कौर सुना होगा अधजल गगरी छलकत जाए, ये भी इसी का पर्याय है कि जिस गगरी को आप सिर में लेकर अगर चलना चाहते हैं यदि वो आधा भरा हुआ है तो पानी ऊपर छलकता है, लेकिन गगरी को आप पूरा भर के सिर में रख करके जब आप चलते हो तो उसका एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरता है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है बच्चों। तो जिस तरह से गगरी में भरा हुआ है जल पूरा संपूर्ण रूप से, उसका पानी नीचे नहीं गिरेगा। ठीक वैसे ही जिस इंसान के पास विद्या है, यानी जो विद्या से भरा हुआ है, विद्या का मतलब यहाँ ज्ञान से है, आप ध्यान दीजिएगा, जिसके पास ज्ञान की संपूर्णता है वो अपनी विद्वता को दिखाता नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनके पास विद्या नहीं है वो अपने ज्ञान को दिखाना चाहते हैं, जिसको कहना हम कहते हैं सेज की बघावना, ठीक है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो जितना अधिक पढ़ा लिखा होगा, जो जितना अधिक ज्ञानी होगा, जिसके पास जितना अच्छा अनुभव भंडार होगा ज्ञान का, वह व्यक्ति अपने में गर्व नहीं करता है बल्कि वो लोगों के काम आता है। और जो कम जानने वाला रहता है वो हमेशा अपने को दिखाता है, यानी शो बात जिसको कहते हैं ना, वो शो करने का प्रयास करता है, ठीक है। आगे चले, आ रही बात समझ में, ठीक। हम तीसरे नंबर पे चले, यथा बीजम तथा निष्पत्ति है, यानी जिस प्रकार का बीज होगा उसी प्रकार का फल उत्पन्न होगा। अर्थ देख लें क्या, एक एक शब्दों की, यथा जैसा जिस प्रकार, तथा वैसा उस प्रकार, निष्पत्ति यानी फल। फिर हम चले लाइन पे, यथा बीजम तथा निष्पत्ति है। देखिए जिस प्रकार का बीज होगा, लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, हमारे घर में लगभग बोलते रहते हैं कि जैसा बीज बोगे वैसा फल पाओगे, या इसी को क्या कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो, है ना। तो हम अपनी हिंदी में जितने भी लोकोक्ति मुहावरा ये सब सुनते हैं, हाना वगैरह, वही सारी चीजें जो है, देखिए मैंने कहा था ना कि मानव व्यवहार से उठ करके आती है, हम संस्कृत में पढ़ रहे थे, हम शास्त्रों के ज्ञान को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन है तो आखिर व्यवहारों से लिया गया। तो जैसे बीज बोगे, जिस तरह से बीज को जमीन में डाला जाता है, जिस प्रकार का बीज होता है उसी प्रकार का फल उत्पन्न होता है। तो क्या ये केवल बीज के बारे में बात कर रहे होंगे, नहीं, यहाँ पर बात जो है प्रतीकात्मक भी है बच्चों। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं जिस प्रकार से संस्कार आप किसी को देते हो वो प्रतिफल वैसे मिलता है। एक बात यहाँ पर भी है, जैसे अगर किसी माँ बाप ने अच्छे संस्कार बच्चे को दिए हैं तो जाहिर सी बात है उस बच्चे में संस्कार अच्छा आएगा और वो माँ बाप की कदर करेगा। लेकिन जिस माँ बाप ने इस चीज को सोचा नहीं था कि मैंने जो बोया है वही मुझे मिलने वाला है, उसके मस्तिष्क में बात नहीं थी, तो उसने जैसा चाहे व्यवहार किया है बच्चे के साथ में, तो उसको उसका प्रतिफल मिलेगा। आप देखते होंगे कई बार ऐसे होते हैं कि मम्मी पापा घर में बैठे हैं और किसी ने बाहर से आवाज दी, पापा बोलते जाके बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। बच्चा सुन रहा है ना, उसके दिमाग में बात आती है ना, आप सुन रहे हो ना, कह रहे पापा घर में बैठे हैं लेकिन कहते मैं नहीं हूँ, तो ये क्या थी, झूठ। यानी न चाहते हुए भी आपके साथ आपके पेरेंट्स ने झूठ का इस्तेमाल किया, ये चीज आपके मस्तिष्क में आ जाएगी, तो ये स्वाभाविक है, आएगा। इसमें धीरे 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 कुछ ऐसी बातें होती है जिसको लगातार हम देखते रहते हैं। तो ये माँ बाप अनजाने में उस बीज को बोते हैं जो हमें मिलता है, वो हमारे गुरुओं से भी हमको मिल सकता है, हमारे वातावरण से हमको मिल सकता है। अगर हम प्रकृति में चलते हैं, हम धान की बात करें या फल की बात करें, धान जैसे कोई बोना है, आप जानते हैं किसान जो होते हैं जब धान लेकर के आते हैं कटाई के बाद में, फसल के बाद में, तो जो अच्छा वाला होता है ना उसको बीज के रूप में डाल के रखते हैं सहेज के, और सामान्य जो होता है ना धान उसको साल भर में जीवन यापन के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो अच्छा वाला धान है उसको जब फिर से उगाएंगे तो उसी प्रकार का उनको अनाज जो है वो मिलेगा। तो किसान को भी ये होती है लालसा कि मेरा बीज अच्छा है ताकि मुझे उसका अनाज जो है फल जो है अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा मिले। तो ये अनाज की बात थी, वैसे ही कोई किसी भी बीज की बात हो सकती है, आप कोई भी फल लगाए तो भी वही बात होगी कि जैसा आप बीज डालोगे वैसा आपको मिलने वाला है। तो जैसा ज्ञान होगा, जैसा मैं देती हूँ वही चीज जो है मिल करके मेरे सामने आएगी, वो मेरे सामने प्रकृति के सामने, कहीं भी। जरूरी नहीं है बच्चों कि मैंने जो दिया है मैं ही उसको काटूं, हो सकता है कि मैंने जो दिया है वो दूसरे भी उसको काटे, लेकिन ये सच है कि बीज जैसा होगा
फल उसका वैसा ही मिलेगा। तो बीजारोपण सही होनी चाहिए, चाहे वो सामान्य बीज के बतौर हो, चाहे वो संस्कार के बतौर हो, तो जैसा बोया जाएगा वैसा ही काटा जाएगा। सर्व सर्वम न जानाति, सामान्य अर्थ है सभी सब कुछ नहीं जानते, सब बड़े आपके लिए सर्व सभी जानाति जानता है, तो सभी सब कुछ नहीं जानते, यहाँ पर आएगा जानते। सर्व सर्वम न जानाति, सभी सब कुछ नहीं जानते, लेकिन जब हम शब्दार्थ में जाएंगे बच्चों तो जानाति का मतलब हो जाएगा जानता है, ठीक है। अब क्या अर्थ यहाँ पर निकल रहा है, जैसे आप गांव में रहते हैं, तो गांव में जब आप रहते हैं तो आप देखते होंगे कि कई तरह के काम होते हैं, ठीक है। आपने कहीं लोहार देखा, आपने कभी बढ़ई देखे, आपने कभी कुंभकार देखा, कुंभकार मतलब घड़ा बनाने वाला, तो एक व्यक्ति एक ही काम को करता आपको दिखेगा, जो घड़ा बना रहा है वो घड़ा बनाने में ही माहिर है, एक्सपर्ट जिसको आप कहते हैं, ठीक है। जो बढ़ई का काम कर रहा है वो बढ़ई के काम में एक्सपर्ट है, जो लोहार है वो लोहार के काम में एक्सपर्ट है। आप देखते हैं मजदूरी करने वाले, तो मजदूर मजदूरी में वो दिन भर जाके खेत में काम कर सकते हैं, लोहार वैसा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और मजदूर जो है जो खेत में काम कर रहा है वो लोहार का काम नहीं कर सकता है। ये गांव की बात मैं कर रही हूँ। यदि हम शहर की तरफ आते हैं तो हम शहर में देखते हैं, या आप भी देखते होंगे यदि आप कस्बे में होते होंगे, कि घड़ी की दुकान में घड़ी साथ बैठा रहता है, बेचने वाला अलग रहता है, बनाने वाला अलग रहता है, आंख में कुछ लगा लेता है, छोटे छोटे पार्ट्स को यानी उसकी जो चीज होती है घड़ी के उसको चिमटी में पकड़ पकड़ करके लगाता है। सुनार की दुकान को देखिए, सुनार अगला काम करता था, छोटे छोटे मतलब उसको धातुओं को यानी सोना को काट करके कैसे वहां पर जोड़ना है उस काम को करता है। तो सुनार जिस काम को करता है उस काम को कौन नहीं कर सकता, घड़ीसाज नहीं कर सकता। घड़ीसाज जिस काम को कर सकता है उसको वह आदमी सुनार नहीं कर सकता है। और तो और बच्चों आपको बहुत अच्छी चीजें बता देती हूँ, आपने डॉक्टर्स के नाम सुने ना, शायद आप लोग भी डॉक्टर बनना चाहते होंगे। डॉक्टर तो होते हैं लेकिन ये डॉक्टर अलग 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 तरह से होते हैं, यानी एक ही काम में अलग 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 काम करने वाले होते हैं। जैसे मेरा शरीर है, आपका शरीर है, तो शरीर में कितने हिस्से होते हैं, है ना, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, मुंह है, मुंह के अंदर भी जिह्वा है, दांत है, बाल है, त्वचा है, ठीक है, हड्डी है। आप जानते हो कि एक ही डॉक्टर इन सारी चीजों का है पूरे शरीर के अंगों का इलाज नहीं कर सकता है। जो डॉक्टर आंख के बारे में जानता है वो दांत की इलाज नहीं कर सकता, जो डॉक्टर दांत की इलाज कर सकता है वो कान की इलाज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसको एक दिशा में जाना होता है, ज्ञान उसका एक तरफ जाता है, तब उसमें महारत हासिल होती है, वो विशेषज्ञ बनता है, उस विषय को जानता है। अच्छा, आप तो क्लास में आपको टीचर पढ़ाते हैं, आप अपने स्कूल में भी देखते होंगे ना कि जो सोशल साइंस पढ़ा रहा है वो आपको गणित नहीं पढ़ाएगा, जो आपको गणित पढ़ा रहा है वो आपको संस्कृत नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो इस विषय को जानने वाले भी शिक्षक भी अलग 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 होते हैं। हर शिक्षक जो है हर विषय को नहीं पढ़ा सकता, अगर काम चलाना है पढ़ाते तो बात अलग है, लेकिन उसको ज्ञान हो ही नहीं सकता, उसको दक्षता आ ही नहीं सकती है, क्योंकि पढ़ने के लिए एक लिमिट होता है कि कहाँ तक आप पढ़ोगे तब उस विषय को जानोगे, विशेषज्ञ बनोगे। तो जिस प्रकार से शिक्षक, एक ही शिक्षक हर विषय को आपको नहीं पढ़ा सकता है, जिस तरह से एक डॉक्टर जो होता है पूरे शरीर की इलाज नहीं कर सकता है, जिस प्रकार से एक व्यक्ति दुनिया के सारे कामों को नहीं कर सकता है, उसी तरह से हम उस बात को लेते हुए कह सकते हैं कि सर्व सर्वम न जानाति, यानी सभी व्यक्ति सभी चीजों को नहीं जानते हैं, ने सभी सब कुछ नहीं जानते या नहीं जान सकते हैं, ठीक है, स्पष्ट हो गया। धर्मस्य मूलम अर्थ, अब देखिए हम एकदम अलग जा रहे हैं। धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्मस्य षष्ठी, धर्म का मूल धन है, मूल यानी जड़, शब्दार्थ देख लें क्या, धर्मस्य धर्म का अर्थ धन, ठीक है, और मूल यानी जड़ में बताया, तो धर्मस्य धर्म का मूल धन, यानी जो हम धर्म करते हैं। देखिए धर्म कई अर्थों में आप ले सकते हैं, धर्म मतलब पूजा पाठ करना धर्म कहलाता है, ठीक है, लेकिन धर्म यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्म से संबंधित है, क्योंकि धर्म की परिभाषा क्या है कि जो धारण किया जाए वो धर्म है, और धारण किसे किया जाता है, कर्म को किया जाता है, तो मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, समझ रहे हैं, ये जो पूजा पाठ कर लेते हैं वही धर्म नहीं है। मेरा धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, बच्चों की परवरिश, पुत्र पत्नी की परवरिश, पत्नी का दायित्व क्या है, यह धर्म क्या है,
पति और बच्चों की रखरखाव। बच्चे का धर्म क्या है? बड़ों की बात को मानना, एक तो ये धर्म हो गया। अब इसके मूल अर्थ, अब यहाँ हम कह रहे हैं कि धर्म के मूल में अर्थ है। अब अगर मैं पूजा पाठ की बात करूँ तो यहाँ पर क्या बात आएगी कि जो मैं धर्म कर्म जो करती हूँ उसके मूल में क्या है? अर्थ है, यानी जड़ में अर्थ है। दो प्रकार बता रही हूँ यहाँ पर। मैंने धर्म बताया कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैंने ये बताया। अब दूसरी बात मैं बता रही हूँ, यदि मैं धार्मिक संदर्भ में चलती हूँ, परिप्रेक्ष्य में चलती हूँ, पूजा पाठ के संदर्भ में चलती हूँ, तो वहां पर क्या हो जाएगा? धर्म जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? उसके मूल में धन है। अर्थ, अर्थ मतलब होता है धन। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे अर्थाभाव चल रहा है, तो मेरे जीवन में पैसे की कमी है, ये बात आ रही है। तो उसके मूल में अर्थ कैसा होता है कि जो लोग जितनी पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, जितने मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं या जो भी करते हैं, उसके मूल में क्या है? धन है। यदि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पूजा नहीं कर सकती, तो मेरे उस मूल में क्या है? धन है। मैं धन है इसलिए पूजा कर रही हूँ, और पूजा किस लिए कर रही हूँ? किसी अर्थ की प्राप्ति के लिए कर रही हूँ, चाहे धन प्राप्ति के लिए कर रही हूँ, चाहे मेरी किसी मंशा की पूर्ति के लिए, यानी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं कर रही हूँ। तो जो चाहना होता है, अर्थ मतलब लिए भी होता है, चाहना भी होता है, मैं आपको बता दूं। तो मेरे पूजा पाठ में क्या है? मेरी इच्छा भी है कि मुझे ये चीज मिले। दो संदर्भ फिर जा रहा है, फिर से भटकिएगा नहीं, मेरे शब्दों को ध्यान में रखिएगा कि धर्म के मूल में अर्थ होता है। यानी मेरे पास यदि धन संपत्ति है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास मुद्राएं हैं, तो मैं बढ़ चढ़ के पूजा पाठ कर सकती हूँ। और करने वाला भी जो कर रहा है, क्या व्यर्थ में कर रहा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। कोई ना कोई चीज उनको चाहिए, चाहे जो भी चाहिए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि धन ही चाहिए उनको, धन तो चाहिए ही चाहिए, मांग तो उनकी होगी होगी, लेकिन उसके संदर्भ में कुछ और भी वो मांग सकते हैं भगवान से, यानी जिसके ऊपर वो धर्म कर रहे हैं उनके लिए। तो धन मेरे पास है इसलिए मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो प्रथम दृष्टिया पहली जो आवश्यकता है वो अर्थ है, यानी पैसा है, यानी कि धन है। तो धन से ही सारे रास्ते जो निकल करके जा रहे हैं। तो बच्चों आपको ये बिल्कुल जानना होगा, समझना होगा कि धर्म के मूल में हमेशा धन होता है। यानी कि यदि मेरे पास संपदा है, मेरे पास धन यदि है, तो मैं धार्मिक आस्था को अपना अधिक बलवती मैं कर सकती हूँ, और नहीं है तो मैं शांति से बैठ जाऊंगी। यह सभी जानते हैं, समझते हैं और सोचते हैं, ठीक है, आगे चले। मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन सबका साधन है। शब्दार्थ में क्या हो गया? मौनम यानी चुपचाप। कितनी गूढ़ बात यहाँ भी है कि मौनम यानी मौन ही सर्वार्थ यानी सबका साधनम साधन है। देखिए, दो लोगों की आपस में लड़ाई हो रही है, आप जानते हैं कि गलती किसकी है, गलती किसकी नहीं है, लेकिन आप यदि वहां चुप है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप बोल पड़े तो क्या होगा? दोनों में से किसी एक की तरफ बोलना पड़ेगा। तो जिसके तरफ या जिस पक्ष में आप बात करेंगे वो आपका हितैषी हो जाएगा, आप उसके लिए अच्छे हो जाओगे, और जिसके पक्ष में आप बात नहीं करोगे वह आपसे शत्रुता निभाएगा बाद में, क्योंकि आपने उसके पक्ष में बात नहीं की थी। तो यहाँ भी है, आपको चुप रहना है। रास्ते में चलते हुए आपने किसी का झगड़ा देखा, आप वहाँ बीच में नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि समस्या वहाँ पर क्या है, तो नहीं बोलना चाहिए। और एक गूढ़ अर्थ यहाँ पर यह है कि सभी जगह साधन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मौन रहने से, एक जो महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि मौन रहने से हमारे अंदर शक्ति और ऊर्जा का संचार भी होता है। हम जितना अधिक बात करें, बातचीत हमारी जितनी अधिक होती है, हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा उतनी ही जाती है। तो यहाँ पर भी मौन रहना जो है वो उचित है। आपने संत महात्माओं को कभी ऐसे फिल्मों में देखा होगा, सीरियल टीवी में आपने देखा होगा, महाभारत रामायण के समय में जब कोई सीरियल चली आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जो है झाड़ के नीचे बैठे हुए तपस्या रत रहते, मौन रहते, वो बात नहीं करते, लेकिन उस मौन तपस्या साधन के बाद उनके अंदर इस तरह शक्ति संचित हो जाती है कि शायद सामान्य जनमानस उसे पा नहीं सकता, जबकि उसे तो ज्यादा बात करना ही नहीं था, वहां जंगल में तो कोई होते ही नहीं है, वो अकेले तो अकेले होते, लेकिन फिर भी बात नहीं करते हैं। तो बात नहीं करने से क्या हो रहा है कि वहां भी वो अपने अंदर शक्ति का संचार कर रहे हैं। तो अधिक बात करने से एक और क्या बात होती है कि यदि आप ज्यादा बात करते हैं तो आपकी कमजोरियां भी आपके सामने, लोगों के सामने आती है। क्यों आएंगी? अधिक बात करोगे तो वही पिष्ट पेशन होगा, बार बार वो चीजें आपकी आएंगी, और कभी ना कभी आपके मुंह से उस तरह के शब्द जो है वो निकलेंगे। इसलिए कहते हैं कि आप चुप रहें। इसके लिए आप जानते हैं छत्तीसगढ़ी में है ये, चुप लबड़ के कोई सुख नहीं है, मतलब आप चुप रहते हो
कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मान लिया मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, मैं कुछ पूछूंगी तो मुझे पता है ये तो बात करने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा सुख क्या हो सकता है। तो मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन ही सबका साधन है। मान लीजिए से कोई चोर भागता हुआ आ रहा है, पुलिस उसके पीछे आ रहा है, उसने आपको पूछा कि आपने किसी को भागते देखा, आपने बता दिया हाँ मैंने यहां से भागते हुए देखा। मान लीजिए पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पकड़ने पर उसको दो चार डंडे दिए, बाद में पता चलता है कि उसका छोटा सा बच्चा है जो दो दिन से कुछ खाया नहीं है, उसके लिए वह डबल रोटी का टुकड़ा चुरा करके ले जा रहा था, वो अपने बच्चे को खिला, बताइए आपको कितना अफसोस होगा, है ना। बच्चा तो भूखा है, हो सकता है भूख भूख में वो कुछ हो जाए बच्चे को, और इधर बाप अलग दबोच लिया गया पुलिस के द्वारा और डंडा अलग खाया, तो आपको अफसोस होगा ना बताने से, इसलिए आपको वहां भी शांत होना चाहिए था। तो सभी तरफ आप जितनी तरह से बातचीत करें, देखें, महसूस करें, अनुभव करें, तो आपको लगना शुरू हो जाएगा कि वास्तव में दुनिया में मौन ही सभी जगह या सबके लिए एक साधन है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, ये शायद आपके मेरे लिए है कि श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। शब्दार्थ हम देखते हैं, लभते प्राप्त होता है, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे एक छात्र है, अगर अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है, तो सीधी सी बात है उसको लगातार ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप वहां पर किंचित भी ये नहीं कह रहे हैं कि शायद मेरे गुरु को कुछ पता नहीं है, या आपके अंदर में कोई ऐसी बात नहीं आ रही है कि सोचू कि नहीं सोचू, करूं कि नहीं सोचू, ये बात नहीं है। आप सीधे अपने गुरु पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, तो आपके गुरु के द्वारा लगातार आपको ज्ञान दिया जाएगा, ज्ञान का प्रवाह गुरु की तरफ से आपकी तरफ आएगा। अगर नहीं लेते हैं तो नहीं आएगा। और एक श्रद्धावान व्यक्ति जो होता है, जब एक जगह श्रद्धा दिखाता है तो सभी जगह श्रद्धा दिखाता है, ठीक है। तो धीरे 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 उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं होता। मैं छोटी सी कथा कहीं आपके सामने रखू कि एक आश्रम था, उस आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे। आप समझने की कोशिश करिए कि श्रद्धा क्या चीज है, ठीक है। श्रद्धा एक महत्वपूर्ण पहलू है। उस आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे, गुरुदेव रहा करते थे वहां पर, गुरु शिष्य परंपरा में। गुरु जी जब सुबह उठे, प्रातः संध्या स्नान के लिए जा रहे थे, तो शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव आज हमें क्या काम करना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कि एक काम करो, आश्रम के जो जो हिस्सा दिख रहा है सामने बाहरी, उसे आप लोग लिप पोत करके साफ सुथरा बनाओ। गुरुदेव चले। जितने शिष्य थे उन लोगों ने सोचा, कुछ ने कहा कि यार पागल हो गया है क्या, क्यों? क्योंकि यहाँ आश्रम में जंगल में कौन सा बर्तन है जिसमें हम पानी लेकर के आएंगे, कहाँ पे हम खरीदा निकालेंगे, किस तरह से हम झाड़ू मारेंगे और कैसे हम लिपाई करेंगे, पता नहीं कैसे बोल दिया, बोले छोड़ो। तो दो ने कहा कि अरे कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ही बोले होंगे। तीसरे ने कहा मजाक किया होंगे। चौथे ने कहा कि वो पागल हो गया है। पांचवा ने कहा सठिया गया है। इस तरह गुरु पर लोगों ने आक्षेप किया और सारे जो है तितर बितर हो गए शिष्य जो है। लेकिन एक ऐसा शिष्य था जिसने सोचा कि जरूर कोई बात है, अगर मेरे गुरु ने कहा है कि आश्रम के दरवाजे को या जमीन को झाड़ पोछ करके, बुहार करके, लिप पोत करके बढ़िया दुरुस्त कर लो, तो जरूर कोई बात है। और उसने क्या किया कि एक बांस की टोकरी वहीं पर रखी हुई थी, उसको उठाया, नदी के किनारे गया, पानी को भरा, उसमें नदी में उतरा, पानी भरा, तो आपने टोकरी देखी ना, चारों तरफ छेद होता है, वो पानी निकल गया, फिर उसने भरा, पानी निकल गया, फिर उसने भरा, पानी निकल गया। कई बार उसने प्रयास किया, पानी निकलता गया, लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि वो कामयाब हुआ। फिर वो पानी लेकर के आया, एक बार नहीं कई बार, उस नदी से, और पूरे जमीन को उसने लीप झाड़ फूट करके बराबर कर दिया। शाम को जब गुरुदेव आए, उन्होंने पूछा कि अरे ये किसने किया, अमुक ने। अब बताइए जो बाकी लोग चले गए थे उनको भी देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हुआ। गुरुदेव ने सबको बुलाया, बैठने के लिए कहा, और उन्होंने पूछा कि जब मैंने ये बात कही तो आप लोगों को क्या लगा। तो सबने कहा, बताया कि हमें ऐसा लगा गुरुदेव कि आप फालतू बात कर रहे हैं। किसी ने कहा हमें मजाक लगा, किसी ने कहा कि हमें लगा कि आप पागल हो गए हैं। इस तरह सबने अपनी अपनी बात कही। लेकिन जिसने उस काम को किया था उसको पूछा गया, तुमने क्या सोचकर इस काम को किया। तो जानते हो बच्चे उसने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव जब आपने कहा कि इस काम को आपको करना है, तो मैंने सोच लिया कि मेरे गुरु ने यदि कहा है कि इस काम को करो तो जरूर इसमें कोई बात है। और फिर मैं वो बांस का टोकरा वहां पर लेकर गया और उसमें मैंने पानी भरने की कोशिश की। बार बार मैंने प्रयास किया,
निरंतर यानी उसी उसी पर मैंने काम करना शुरू किया। और एक स्थिति बच्चों हुआ ये कि वो जब बांस में टोकरा में पानी जब भरने लगे ना, तो क्या हुआ बांस धीरे धीरे डंडिया जो है फूलने लगी, और फूल फूल करके जो बीच में जो ऐसा सब जो छेद था डंडी के बीच में छेद थी वो धीरे धीरे पैक होने लगा, मतलब भरने लगा। और दो डंडिया बांस की आपस में जुड़ गई, जुड़ने के बाद जगह कम हो गया और इस तरह पानी उसमें भरा गया और भरकर वो ले आया। तो देखिए ये थी श्रद्धा, किस पर? किसी की बात पर, गुरु पर। यानी एक शिष्य ने श्रद्धा व्यक्त की कि मेरे गुरुदेव की वाणी में सत्यता है, कोई बात है तभी उन्होंने कही है। तो ये साबित करता है, कहना चाहिए कि जो श्रद्धावान होता है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। यहाँ पर ज्ञान क्या मिला कि आप किसी भी प्रयास को एक बार करके रुक नहीं सकते, आपको बार 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 प्रयास करना होगा और फिर आप उसमें कामयाब होंगे। कहा गया है ना, रसुल यावत जातते सिल पर परत निशान, यानी पत्थर पर भी बार 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 आप रस्सी को घर्षण करते हो तो उसपे निशान बन जाता है। आप गांव में देखिए कुआं होता है ना, कुआं में पत्थर होते हैं, वहां पे बाल्टी डुबाते हैं, जब खींचते हैं तो धीरे 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 उसको निशान बन जाता है। तो जब पत्थर में एक रस्सी निशान बना सकती है बच्चों, तो ये तो दिमाग है आपका हमारा। इसलिए हमें अपने से बड़ों के द्वारा कही गई बातों पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए और यही विश्वास जो है वो श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो श्रद्धावान व्यक्ति हमेशा ज्ञान प्राप्त करता है। लोभ पापस्य कारण, लोभ यानी लालच पाप का कारण है, पापस्य फिर से षष्ठी, ठीक है, पाप का कारण है। तो लोभ यानी लालच जो है वो पाप के मूल में है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी चीज पर मुझे लालच आ जाए या किसी को आ जाए तो पाप तो होगा ही होगा, करना पड़ेगा। जैसे मुझे कोई चीज चाहिए लेकिन मेरे पास वो नहीं है, अब मुझे पैसे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मेरे मन में वो रहता है, आना शुरू हो जाएगा ना, मैं करूँ ना करूँ मेरे मन में ही बात आ रही है। जैसे मान लीजिए किसी की मोबाइल को मैं देख रही, मुझे लग रहा है कि मेरे पास एक मोबाइल आनी चाहिए और मेरे पास खरीदने के पैसे नहीं है, तो मैं सोचती हूँ काश किसी की मोबाइल गिर जाए, काश किसी की मोबाइल खो जाए, तो ये मैंने क्या किया, गलत प्रवृत्ति मेरे अंदर आ गई, ये भी मेरे पाप का कारण है, यानी पाप ही है मेरा, मैंने सोचा। और इसी बीच किसी की मोबाइल मैं उठा लूं, चुपचाप रख लूं क्योंकि मुझे मोबाइल चाहिए, तो वो जो लालच है मोबाइल पाने की वो मेरे पाप के लिए कारण बन गया। तो लोभ पाप का कारण होता है। और बच्चों ये लालच जो है केवल बच्चे में है ऐसा नहीं है, बड़े बुजुर्गों में भी होती है। सबके लालच की स्थितियां परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। कोई कुछ पाना चाहता है, कोई कुछ पाना चाहता है। इंसान की प्रवृत्ति है कि मैं अपनी चीजों को सुरक्षित रखना चाहती हूँ लेकिन दूसरे की चीज पर मैं नजर मारती हूँ, ये मानवीय प्रवृत्ति के अंतर्गत है। प्रवृत्ति मतलब आदत के अंतर्गत ऐसा लोग करते हैं। ठीक है, मेरे कहने का आशय ये है कि यदि यही आचरण हमसे दूर ना हो, यदि मैं नहीं जानूंगी तो समझ लो मैं ऐसा करूंगी ही। इसलिए मेरा जानना जरूरी है कि मेरे अंदर में लालच नामक दुर्गुण नहीं आने चाहिए। आप जानते हैं कि मानव जीवन में दो बहुत महत्वपूर्ण दुर्गुण हैं, एक है चुगली और दूसरे है लालच। अगर आप चुगली करते हैं तो उससे बढ़कर के कोई पाप नहीं है, यदि आप लालच करते हैं तो इससे भी बढ़कर के कोई पाप नहीं है। तो ये दो महत्वपूर्ण हैं जिसमें से एक को आप अभी देख पा रहे हैं कि लोभ जो है पाप का कारण है। तो जहां कहीं भी आप लोभ करते हैं कहना चाहिए आप पाप के भागीदार बनेंगे ही। इसलिए और एक बार जब आप बन गए हैं तो ये मानकर चलिए बार बार आपके नेचर में प्रकृति में शुरू हो जाएगा आना लगातार, इसलिए आपको बच के रहने की जरूरत है। बच्चों इन सब स्थितियों का आशय भी वही है कि आप इसे समझें, आप जानें और आप इन सारी बुराइयों से दूर रहें। तो समझ में आ गया होगा कि लालच में हम कैसे पाप कर लेते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि है। अब मैंने कहा तो कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब विनाश काल आता है यानी नष्ट होने की स्थिति मेरी तय ही हो गई है, तो उस स्थिति में मेरी बुद्धि ही खराब हो जाएगी। विपरीत बुद्धि, बुद्धि दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाती है, मतलब बदल जाती है, सही नहीं होती है, सकारात्मक बुद्धि नहीं होती है, नकारात्मक हो जाती है। ठीक है, हम इसको महाभारत, रामचरितमानस, रामायण वगैरह से ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर दशानन यानी लंकापति राम, लंकापति कहने में लगता है, यानी लंका का स्वामी जो रावण था वो बहुत ही
विद्वान रहे, लेकिन जब उनका विनाश होना था तो उनकी बुद्धि क्या हो गई, मारी गई, खत्म हो गई। रावण जानते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम से उलझना मेरे लिए खतरनाक होगा, मैं मर भी सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया पर अपनी हेठी उन्होंने नहीं छोड़ी। उन्होंने क्या किया था, आपको पता है ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र की जी की पत्नी को अपहरण करके ले आए थे और अशोक वाटिका में उन्होंने रख दिया था और बार बार उसको कह रहे थे कि तुम मेरी राजमहेशी बन जाओ, पत्नी बन जाओ। इस प्रकार से तो वो सीता को भी जानते थे, लेकिन फिर भी मैया सीता की विशेषताओं को दरकिनार करके लगातार उसको अपनी अर्धांगिनी बनने के लिए उन्होंने बार 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 क्या क्या उत्तेजित करने का प्रयास किया। तो यहाँ लंकापति जैसे विद्वान पुरुष कहे या राक्षस दल से भी कहे या कुछ भी हम कहें, हम केवल एक लंकापति के रूप में हम उन्हें कहे, रावण को कहें, उनकी बुद्धि जो है काम नहीं आई तो सामान्य इंसान की बात क्या है। तो वैसे ही मानव जीवन में भी होता है बच्चों कि जब विनाश होना होता है तो कोई कितना भी समझाए, कितना भी बताए, बातें समझ में नहीं आती है। व्यक्ति एक जिद में रहता है कि नहीं मुझे ये करना है। जो इसलिए बहुत अच्छे अच्छे लोग भी कभी कभी जीवन में गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि प्रकृति उनके तरफ विनाश को लेकर के बढ़ रही है, इसलिए शायद ऐसा सोचा है। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप हर पल इस चीज को ना सोचे, बल्कि आप अपने बुद्धि को सही सलामत पकड़ कर रखें और अच्छा करें, अच्छा पाएं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, हितकर और मनोहारी वचन दुर्लभ है। वचन यानी वचन कैसे, यानी जो मेरे लिए हितकर हो, हितकारी हो, ठीक है, और सुनने में भी अच्छा लगे, ऐसा वचन बहुत ही मुश्किल है। कैसे मुश्किल है कि प्यार से कोई किसी को बोले तो कोई काम कर दे बहुत देखने में कम आता है, नहीं के बराबर है, मैं कहूँ तो गलत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहाँ सुंदरता है, मनोहरता है, वहाँ पर हितकर जैसी बात नहीं हो सकती है। जैसे एक मैं उदाहरण से दे सकती हूँ कि आपकी तबीयत खराब है, तबीयत ठीक करना जरूरी है, ऐसे समय में क्या होगा, आपको कुछ टेबलेट दिए जाएंगे ना आपकी सेहत को ठीक करने के लिए, क्या वो गोलियां, क्या वो औषधियां मीठी होगी, नहीं हो सकती, कड़वी होगी। आपने माँ को देखा है जो छोटे बच्चों की तबीयत खराब होने पर दवाई नहीं खाने पर उसके गले में उंगली डालकर दवाई को अंदर प्रेस करती है, डालती है। तो बच्चे की भलाई के लिए माँ ने इस प्रकार का प्रयास किया। तो जो हितकारी जो चीजें होती हैं वो बहुत मुश्किल हो, मिठास उसमें नहीं हो सकता, अगर उस मिठास को देखेंगे तो हितकारी नहीं हो सकती। जीवन में भी हम किसी को कुछ कहते हैं, उपदेश देते हैं, वह उपदेश लोगों को बुरा ही लगता है, हर किसी को लगता है, ऐसा लगता है कि मेरा दुश्मन है, दुश्मनी में बात कर रहा है। एक पिता किसी पुत्री को, किसी पुत्र को अगर कोई बात कहता है पालन करने के लिए, कोई निर्देश देता है, उसे अच्छा नहीं लगता और सीधे बात नहीं मानता है, तो जाहिर सी बात है कि वचनों में कड़वाहट आती ही है, कठोर शब्द का इस्तेमाल वो करता ही करता है, तो करेगा है। तो मीठे वचन से ये मान करके चलो कि आपका हित कभी हो नहीं सकता है। मिठास जहाँ पर है, आप जानते हैं कि अधिक मिठास है या मिठास जहाँ है वहाँ चीज तो आएगी आएगी, वो चीज नष्ट तो हो नहीं होना है। यहाँ पर यही चीजें हो रही है कि मिठास जहाँ होगा कहना चाहिए वहाँ दिक्कतें आ सकती हैं, वो हितकारी चीजें हो नहीं सकती हैं। तो मीठा सुन सुन करके आपको आदत आ जाएगी और फिर वो क्या हो जाएगा कि आप कभी किसी कड़वी बात को या किसी की ऊंची आवाज को आप सुन नहीं सकते। जबकि बच्चों ये जीवन में जरूरी है कहना चाहिए कि हर मोड़ पर हमको ऐसे लोग मिलते हैं जो हमेशा उग्र रूप से बात करने वाले होते हैं, आदेश देने वाले होते हैं, डांटने वाले होते हैं, बिना इसके हम एक कदम नहीं चल सकते। और जो ऐसे होते हैं जो किसी की भलाई के लिए बात करते हैं, वो कहते हैं और उस बात को भूलते हैं, तो उनमें हमेशा सदाबहार वाली बात जो होती है वो मिलता है। तो इस दुनिया में ये दोनों जो है, हितकारी और मनोहर, ये दो चीज जो है मिले हुए रूप में, ऐसे वचन प्रदाता जो है बहुत कम होते हैं। अगर किसी का, किसी के शब्द मीठे होंगे तो वो हितकारी नहीं हो सकते, आप मान करके चलिएगा। और जो हितकारी है वो मनोहर नहीं हो सकता है, ये भी आपको मानना होगा। ये दुर्लभम वचन, यानी दुर्लभम वचन कह रहे हैं, यानी दुर्लभ है, दुधन लभ, यानी बहुत मुश्किल से लभ, यानी आदमी पाता है उसको, यानी बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कड़वी बात
को भी बड़े मिठास या सिरे से डुबाया हुआ चाशनी से डुबा करके बात कर पाते हैं, मुश्किल है बच्चों। इसलिए यहाँ पर बता दिया गया है कि हितकारी और मनोहर वचन जो है, इन्हें मन को, इन्हें जो मेरे लिए हितकारी हो और मेरे मन को भी भा जाए, ऐसे वचन दुनिया में बहुत कम आपको सुनने के लिए मिलेंगे। तो बच्चों, आपको मैंने इन सूक्तियों के अर्थ को बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। मुझे यकीन है कि आप सभी ने सुना और समझ भी लिया होगा। मैं यह तो नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल आचरण में उसे उतार लीजिए, लेकिन इन शब्दों को भूलिएगा नहीं, क्योंकि यह आपके जीवन में आवश्यक है, आपके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। और हम इन बातों को वास्तव में अपने जीवन के आसपास घेरे में रखते हुए चलते हैं तो जीवन में चलने में हमको एक सुगमता भी आएगी, यह भी मेरा विश्वास है। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ गृह कार्य यहाँ पर दे रही हूँ कि निम्न मंजुषा में दिए गए अव्यय पदों से सूक्ति पूर्ण कीजिए तथा च सर्वत्र न। तो इन पदों को लेकर के आपको इन चारों जो खाली स्थान दिए गए हैं वहां आपको डालना है। अति में क्या आएगा आप देख लीजिएगा, वर्ज्य बाद में है, यथा बीजम उसके बाद है, आपका निष्पत्ति है, सर्व सर्वम खाली स्थान है, जानाति, हितम मनोहारी खाली स्थान है, दुर्लभम वचन। आपसे भी कहूंगी कि जहां कहीं आपको इस प्रकार की सूक्तियां देखने सुनने पढ़ने को मिलती हैं, आप उसे अपने पास कॉपी में रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए, उसके अर्थ को जानिए और उसे अपने जीवन में समेटने का प्रयास करिए, चरितार्थ करने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे बाद में फिर किसी पाठ में, तब तक के लिए आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, चिरायु रहें, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।